हेलो गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और सुबह सुबह उठ के वर्कआउट कर रहा हूँ, अभी शुरू, जस्ट 2 मिनट में। चलो एक बार वर्कआउट कंप्लीट कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। हैं ये देखो यार, मौसम कितना तगड़ा हो रखा है, कितना बिल्कुल ब्लू आसमान है, जैसे नील डाल दिया हो। ये देखो वहाँ से सनराइज हो रहा है और यहाँ पर देखो कितना नीला आसमान है। चलो मैं वर्कआउट कर लूँ, लेट हो रहा है मेरा वर्कआउट। तो गाइस, एकेडमी का सेशन अभी ख़त्म हो गया है और अभी चल रहा हूँ मैं, पता है कहाँ? अपनी जो वरना है ना, उसके अंदर टायर डलवाने हैं, तो वो डलवाने चलते हैं। फिलहाल गाड़ी आ चुकी है और अभी गाड़ी के पास जस्ट जाने वाला हूँ मैं। 2 मिनट में गाड़ी पहुँच चुकी है जहाँ पर टायर चेंज होने हैं, तो मैं पहुँच जाऊँ। है कहीं ठुक जाएगी खाऊँ खाई अपनी एंडेवर। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखो वरना चढ़ा रखी है, टायर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे अर्जुन भैया के पास ही टायर घर पे। ये पहले तो ये थे कॉन्टिनेंटल वाले, अब डलवाए वेडस्टाइन के, जो अपनी लीवा में है भाई, सबसे मस्त टायर लगते हैं मुझे, तो वही डलेंगे। है पेंट भी होना है ना? हाँ पेंट होना है, कैलिपर भी रेड हो रहे हैं इसमें, ये जो ब्रेक पैड होते हैं ना ये वाले, ये भी रेड हो रहे हैं। पेंट वही होगा सेम जो अपनी लीवा पे हुआ है, पर इसमें अलॉय चेंज नहीं करा रहे, इसमें पहले ही 16 इंची है, तो ठीक है यार वो। और इसका ये काम भी करवाना है अभी, काफ़ी टचिंग वगैरह बाकी है इसमें। और अंदर की लाइट, एम्बिएंट लाइट, स्टार लाइन और भाई एसी, एसी वेंट तो नहीं होंगे इसमें, इसमें एम्बिएंट लाइट होगी और म्यूजिक सिस्टम। ये देखो भाई वेडस्टाइन के टायर आ गए हैं, इसमें लगे हैं 195/60 लगवाए हैं इसमें, 16 इंच अलॉय लाए, ये अलॉय ली यार ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, रिविंग करवानी है। 16 इंच तो हैं, ये अंकल कह रहे थे ठीक है यार अलॉय क्यों चेंज करवाई, क्या पता थोड़े दिन बाद गाड़ी चेंज कर दी, पर ठीक है ये लोए हैं। टायर चेंज करा दिए, वेड स्टैंड के चारों आगे लग के बैलेंसिंग हो गए, अलाइनमेंट बाकी है, ये पेंट हो गए और ये नए टायर भी लग गए इसमें वेड स्टैंड के, मस्त। और ये भाई अपने सब्सक्राइबर ही हैं, इनकी भी गाड़ी में टायर चेंज हो, बहुत अच्छे भी जाते भाई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो भाई वरना में टायर वगैरह डल गए थे, उसमें ना एक और तगड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, प्रॉब्लम हो गई कुछ ऐसी कि उसके ना ब्रेक पैड वगैरह में पता नहीं, वो पेंट वगैरह लगाया था ना वो चिपक के रह गया, और उसके लेदर के जो ब्रेक पैड होते हैं ना पीछे वाले, उसमें डिस्क वो है, ड्रम नहीं है, उसमें पीछे भी डिस्क है, तो भाई वो चिपक के ही रह गए और वो टूट गए, पता नहीं क्या हुआ, फट गए, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अंकल अभी वहीं है, मैं वीडियो अपलोड करने घर आया था तो अभी अपलोड कर दिए, तो चलो अभी मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ अंकल जी के पास, तो चलो चलते हैं अपनी वरना के पास, इसको एक बार टर्न कर लें। चलो भाई। और हाँ भाई एक चीज़ और कमेंट कर दो, किस किस भाई को नथिंग फोन 1 से व्लॉग चाहिए, तो मैं एक व्लॉग उससे ही बनाता हूँ। बाकी यार मेरा मन तो आईफोन से ही है, पर उससे ही बना देंगे अगर आप लोग कहोगे, क्योंकि आईफोन से मेरा इसलिए भाई, क्योंकि मैं डेली बनाता हूँ, मुझे आदत तो रखी है। और उससे ना मैं एक बार ये और कमेंट कर देना कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र करूँ मैकबुक के अंदर, मुझे आता नहीं है, तो वो और बता देना है तुम्हारे भाई को। तो भाई जो बता रहा था ना, ये पैड में पेंट से पता नहीं कैसे क्या चिपक क्या हुआ भाई, ये फट गया यहाँ से, और अभी ये देखो ये इसके टुकड़े पड़े हुए थे नीचे यहाँ पे, ये देखो ये ब्रेक पैड के टुकड़े हैं ये सारे, जो मिट्टी मिट्टी दिख रहे हैं ना, ब्रेक पैड फट गया ये रहा। देखो क्या रहता है, वे बर लग जाए, ब्रेक पैड मंगाए ना, बाकी टायर तो नहीं है ना भाई, यहाँ तो रखे ही हैं, इसमें भी नाइट्रोजन चेक करवा ही लें, चलो इसमें भी हो ही गई। कितनी है? ठीक है, कितनी थी? 30 अच्छा 30 कर दे सभी में, हाँ 30 में कंफर्ट नहीं जाता है ना, बात ज़्यादा हो जाए तो भाई फिर ये टाइट हो जाता है टायर, ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता। बाकी भाई अब गाड़ी शाइन, क्या बात है, क्या शाइन है भाई गाड़ी में। ये ब्रेक पैड आ गए भाई ओरिजिनल, ये लग रहे हैं उस पर मिस्त्री लगे हुए हैं, फिर ये टायर फिट हो गए, फिर अंकल चले जाएँ घर, मैं चला जाऊँगा घर, गाड़ी कर दे फिलहाल अंदर। अभी मैं नहा लिया, घर आके खाना खा लिया है, पापा के साथ बैठा था अभी, एक पापा ने ना एक मशीन मंगाई थी भाई, मसाजर मशीन, उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी, ये रखी, कर दो इसको बंद, इसको कर लो ओपन, खुल जाएगी वहाँ, इसने पकड़ो पकड़ी, इतना
इसका तो डिब्बा भी खराब आ रहा है, टूटा फूटा डिब्बा दे रखा है। जो पिछले मंगाई थी उसका डिब्बा साफ था बिल्कुल, उसमें भी थी वो ना। अब कटर लाना था, कटर ले आऊंगा। यहाँ तो इसे क्या कटर दूसरे रूम में रखा है भाई, दूसरे रूम में देखते हैं कटर मेरे टेबल पर रखा होगा 100%। हाँ ये रखा, हम झूठ नहीं बोलते। साइड पे डिब्बा खराब दे दिया सारा। मशीन भी खराब है, ये भी खराब है, पुरानी दे दी। इसको वापस करो। अरे भाई अमेजोन वालों ऐसा क्यों करते हो? चलो कोई नहीं, अभी इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न कर दो पहले। देखो यार खराब आ गई, यूज है सारी, केबल टूटी फूटी है, डिब्बा टूटा फूटा पड़ा है। सो गाइस मुझे एक क्वेश्चन था आप सभी से, क्या किसी भी बाइक के लिए जिसका काम हो जो अपनी एलईडियां होती है ना, जो एलईडी लगती है अपने रूम के अंदर, वो कोई भी भाई लगा दे यार मेरे रूम में। तो अगर किसी भी भाई का काम है तो लगा दो यार, रूम ऐसे ही है खाली पड़ा है, तो उसमें थोड़ी लाइटनिंग हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। और स्पीकर्स के कनेक्शन है यार उसमें, वो एक दो ठीक करवाने। तो कोई भाई इलेक्ट्रिकली भी जिसका माइंड अच्छा हो, जो जिसकी प्रैक्टिस हो, तो भाई मुझे DM कर देना। अगर कोई भी भाई देख रहा है, किसी के चाचा की शॉप हो, किसी के भाई की शॉप हो, या फिर किसी के दोस्त की शॉप हो, तो भाई मुझे DM कर देना, उससे मुझे पता लग जाएगा और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। रोहतक से ही अगर कोई भी भाई है जिसकी LED ये जो होती है ना, जो रूम के अंदर LED होती है, जो वो क्या बोलते हैं उनको यार, ध्यान नहीं आ रहा, जो मतलब सॉन्ग के साथ चेंज हो जाए, या फिर जो मर्जी कर लो, जैसी मर्जी जो मर्जी कलर फ़ोन से एडजस्ट हो जाए, जैसे अपनी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट है वैसी चाहिए भाई। तो अगर कोई भी भाई हो किसी के पास हो तो मुझे बता दो यार, DM कर दो, उससे फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा और अपने को रूम में लगवानी है, लग जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भाई वरना में थोड़ी दिक्कत हो गई यार, दिक्कत हो गई भाई वरना थोड़ी तगड़ी दिक्कत हो गई, और क्या करें, रिजॉल्व होगी वो, पर थोड़ी बहुत अभी भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं, ब्रेक पैड से आवाज़ कर रहे हैं। तो कोई नहीं यार, चिंता मत करो, देखते हैं जल्द से जल्द क्या होता है। तो तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली एक अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।